नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल My Indian Vlogs पे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं लखनऊ की एक ऐसी जगह के बारे में जो इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। जी हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है दोस्तों। यहाँ पर नीचे जो है गोमती नदी बह रही है और उसके ऊपर नहर है। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा नहर, जिसका नाम है, इस जगह का नाम है इंदिरा डैम। दोस्तों इस डैम पे जो है, जब आप आते हैं शाम के टाइम में तो बहुत बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों तरफ ये ग्रीनरी है और नेचर है, ये बहुत ही अच्छा व्यू देता है, आँखों को सुकून देता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जब आप शाम को आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं और जो कि मतलब यहाँ इंजॉय करते हैं, शाम के टाइम में आते हैं। दोस्तों दोनों तरफ किसान पथ बन रहा है, दोनों तरफ किसान पथ है, मतलब कि दो ब्रिजेज यहाँ पर किसान पथ के बने हुए हैं और एक जो ब्रिज है वो नहर है, जो इंदिरा नहर है वो है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इधर ये जो है, ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है, ये जो ब्रिज दिख रहा है हमारे जस्ट पीछे, ये दोस्तों है इंदिरा जो है डैम, इंदिरा नहर, जो इसके ऊपर से शारदा नहर है दोस्तों। वैसे लेकिन वैसे लोग लगभग कहते हैं इसको इंदिरा नहर ही बोलते हैं, बट ये शारदा नहर है दोस्तों। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ब्रिज है इंदिरा जो है नहर की, मतलब इंदिरा डैम की, शारदा नहर की। और ये ब्रिज है दोस्तों जिस पर हम खड़े होकर हम आपसे बात कर रहे हैं, ये ब्रिज है दोस्तों किसान पथ का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसके नीचे जो है गोमती नदी बह रही है और इसके ऊपर जो है ये ब्रिज बना हुआ, जहाँ से नहर जो है उसके ऊपर से चल रही है। दोस्तों मैं अभी आपको नहर दिखाता हूँ, इसका पानी दिखाता हूँ कि किस तरीके से फ्लो से, कितना तेज़ी से ये पानी बहता है। दोस्तों इतना फ्लो रहता है पानी में कि बता दूँ मैं आपको कि अगर कोई भी पर्सन अगर गिरता है तो अगर उससे अच्छी तैराकी नहीं आती है तो देन मे बी वो जो है डूब सकता है। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो जगह है इंदिरा डैम। तो दोस्तों ये देख रहे हैं, जैसा कि आप दिखाइए प्लीज़ इनको कि दोस्तों को दिखाओ कि ये कैसे, कितनी वे है, कितना फोर्स है इस वाटर में, इस कैनाल में कितना फोर्स है, कितनी बड़ी कैनाल है ये। और यहाँ पर लोग जो हैं, काफ़ी लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, काफ़ी बैठ के चारों तरफ अपना आराम से इंजॉय कर रहे हैं सब लोग, अच्छा लग रहा है। दोस्तों इवनिंग का टाइम है, थोड़ा ज़्यादा शाम हो गई है, थोड़ा सा रेडिश सा शाइन है यहाँ पे, देख सकते हैं ऊपर बादलों में काफ़ी रेडिश शाइन है। तो दोस्तों यहाँ पर आने के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आने के लिए आपको जो है सबसे पहले जो है, आप अगर इधर से आते हैं सुल्तानपुर रोड से आने का रास्ता है, बहुत साफ सुल्तानपुर रोड से आने का रास्ता है, और उधर से भी रास्ता है आने का फैज़ाबाद रोड से। दोस्तों दोनों तरफ से रास्ता है आने का, और बीच में रास्ता है आपको चिन्हट से सीधा रास्ता है इंदिरा डैम तक का। तो दोस्तों ये तीन रास्ते हैं जिधर से आप आ सकते हैं इंदिरा डैम पर और देख सकते हैं इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी जगह है, सुकून देने वाली जगह है। शाम के टाइम में अक्सर लोग यहाँ पर कपल्स आते हैं, अपने फैमिली के साथ आते हैं यहाँ एंजॉय करने के लिए, और एक दो यहाँ पे शॉप भी हैं जहाँ से आप कुछ भी खरीद के खा सकते हैं, यू नो। सो दोस्तों ये बहुत अच्छी जगह है, सो आई होप आपको पसंद आएगी। दोस्तों ये जो जगह है ये है ड्रीम वैली, इधर जस्ट जो है किसान पथ के बगल में ही ये बना हुआ है ड्रीम वैली, जो मतलब पार्क है एक तरीके का, जहाँ पर आपको हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग और जो है कई जीव ऐसे हैं जैसे कि शुतुरमुर्ग वगैरह, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। और इसके अंदर है आपको स्विमिंग पूल भी है, और अगर आप अपने मतलब पार्टनर के साथ आते हैं तो ये बहुत ही सेफ और अच्छी जगह है, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है और अच्छे से आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों टहल सकते हैं, फैमिली भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं कि फैमिली नॉट अलाउड है, यहाँ पर फैमिली भी अलाउड है और अपने दोस्तों के साथ आकर के अच्छे से आप इंजॉय यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। सो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए, ये तो भाई घिसी पिटी लाइन है, बट मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो दोस्तों मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।